मुंबई से सटे डोंबिवली की मानपाड़ा पुलिस ने दो ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो शहर में लगातार चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। गिरफ्तार शातिर स्नैचरों की पहचान 24 साल के वारिस खान और 30 साल के मोहम्मद जफर कुरैशी के रूप में हुई है। पुलिस ने कथित आरोपियों से पूछताछ के आधार पर चैन स्नैचिंग के 9 मामलों का पर्दाफाश किया है। आरोपी वारिस अंबिवली का जबकि मोहम्मद शहाड़ के रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इन सभी आरोपियों के पास से सोने के गहने और एक मोटरसाइकिल समेत कुल 8,68,000 का माल जब्त किया है। दरअसल 20 अक्टूबर की सुबह 7 बजे मानपाड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले पेशे से टीचर रवि गौली डीमार्ट के सामने वाली सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी दो बाइक सवार रवि के गले से 18 ग्राम वजनी सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद रवि ने मानपाड़ा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस ने अपने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मानपाड़ा रोड पर स्थित निसर्ग होटल के पास से दोनों आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तारीख को मॉर्निंग में डीमार्ट के सामने के रास्ते पे रवि गोली करके कंप्लेनेंट है, वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी टू व्हीलर पे आके दो आरोपियों ने 18 ग्राम का चेन जबरदस्ती खींच के उनको जख्मी किया था। और उसके बाद मानपाड़ा के सीनियर पे हनुमानी और उनके डीबी की टीम, उन्होंने बहुत मेहनत से ये आरोपियों को कब्जे में लिया है। उनको कब्जे में लेने के बाद उन्होंने लगभग 9 अलग अलग ऑफेंसेस कबूल किया है और उसमें से 8,18,000 कैश रिकवरी हुआ है। लगभग 151 ग्राम सोना रिकवर हुआ है, उसकी कीमत 8,18,500 रुपीज़ है। और दोनों आरोपी वारिस मिराज खान और मोहम्मद जाफर कुरैशी, ये बहुत ही रिकॉर्ड वाले क्रिमिनल है। उनके खिलाफ वारिस के खिलाफ पहले 9 ऑफेंसेस दर्ज है। रिमांड लेके सीनियर ऑफिसर के सले से आगे की तहकीकात सीनियर पीआई श्री हनुमानी कर रहे हैं।